तीन वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किया है, ओला S1 एयर, ओला S1 और ओला S1। ओला इलेक्ट्रिक दे रही है, वो आपको एथर में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ओला ने, नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं, ये फेमस चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का है। और यहाँ से डायरेक्ट मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तीन अपडेट बताने वाला हूँ जो ओला इलेक्ट्रिक ने अभी हाल फिलहाल में किया है। ओला अपने प्रोडक्ट को काफ़ी अपडेट करती रहती है, तो आपने मैं ये महसूस भी किया होगा कि ओला का जो प्रोडक्ट है ना, वो काफ़ी अपडेटेड है। अब ओला अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में इंडिया की तो नंबर वन है ही, और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि फोर व्हीलर में है, तो आप समझ सकते हो कि ओला ने किस लेवल का प्रोडक्ट बिल्ड किया है। अब तो वो अपना लिथियम आयन बैटरी भी मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो यहीं पे लिथियम बैटरी बनाएगी, अपने बैटरी से अपने प्रोडक्ट में डालेगी और उसका टोटल कंट्रोल होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंड, मैं आपको बताना चाहूँ कि भावेश अग्रवाल, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो फंक्शन इस प्रोडक्ट में ला रहे हैं भावेश अग्रवाल। और ये प्रोडक्ट को सच में उन्होंने भारत में तो फेमस हो ही गया, अब ग्लोबल लेवल पे ये प्रोडक्ट फेमस होने वाला है। जिस तरह का हाइप टेस्ला के लिए बनता है बाहर विदेशों में, उस तरह का टू व्हीलर के लिए उन्होंने देश में कायम किया है। जहाँ पे कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम 1,00,000 व्हीकल लाने वाले हैं इतने डेट को, तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी बुकिंग हो जाती है। डिलीवरी भी अभी तक 1,00,000 से ज़्यादा ही दे चुकी है ओला। और आने वाले समय में जो तीन वेरिएंट उन्होंने निकाला है, तो तीनों वेरिएंट तीनों प्राइस रेंज में इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेक्शन में मुझे तो कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लगता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है और वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें दो ही मेजर कंपनी है जो कंपटीशन में है, एक एथर है और एक ओला है, जो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दे रही है। लेकिन जो साउंड्स और म्यूजिक का फैसिलिटी ओला इलेक्ट्रिक दे रही है, वो आपको एथर में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ओला ने जो मज़ा दिया है, आपने मेरा एक रिव्यू भी देखा होगा जो रेहान के साथ था, जिन्होंने लगभग 7,000 किलोमीटर तक चलाया था, और उसने खुद बताया था और कि टू व्हीलर में फोर व्हीलर का मज़ा, जो म्यूजिक सिस्टम है, तो म्यूजिक सिस्टम भी बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। और पार्टी मोड के वजह से क्या होगा कि अभी आने वाले समय में आप इसके लाइट्स वगैरह फ्लक्चुएट होते देखेंगे म्यूजिक के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक ऑप्शन है। साथ ही रिवोल्ट में जो एक फीचर्स था कि जैसे ये साइलेंट नहीं चल सक, आप चाहे तो इसको इसमें आवाज़ भी डाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये साइलेंटली मूव करता है। लेकिन रिवोल्ट ने कुछ फीचर्स डाले थे जिसमें आप उसमें साउंड दे सकते हो अलग अलग तरीके के, जो एक्सेलरेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको ओला में एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा जब आप मूव OS 3 पे जाओगे। तो पहला तो आपको पता ही होगा कि ओला ने बहुत बड़ा ऑफ़र दिया था, जिसमें कि 10,000 तक का उन्होंने छूट दिया था। लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने क्या किया है कि तीन वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किया है, ओला S1 एयर, ओला S1 और ओला S1 प्रो, जो काफ़ी दिनों से चल ही रहा था। तो ये पहला अपडेट था जिसमें तीन वेरिएंट आपको मिल जाते थे। सेकेंड जो अपडेट है वो MOVE OS 3 लॉन्च किया उन्होंने, और जिसके वजह से आपका सॉफ्टवेयर जैसे ही अपडेट आप करोगे तो आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर मिल जाएंगे, और ये फीचर्स के वीडियो जो आपको बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा। थर्ड वन जो अपडेट है, ओला अब आप इंडिया में तो काफ़ी अच्छा पॉपुलर हो ही रही है, जहाँ पर आपको लगभग हर महीने का जो इसका सेल जा रहा है वो 20,000 को भी पार कर चुकी है। अक्टूबर मंथ की बात करें तो हर महीने का ये सेल है, कहाँ लोग 1,000-2,000 पे अटके हुए थे, और इन्होंने डिलीवरी देना 20,000 स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है, और इसी के साथ ये अब ग्लोबल भी हो रही है, यानी ये जो है अभी इटली में होने वाले मिलान में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है, और वहाँ से आप देखेंगे ओला जो है ग्लोबल हो गया है, ओला इलेक्ट्रिक। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, तीन बड़े अपडेट थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया।
और आप व्यू भी देख सकते हो। ये फेमस चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ये गार्डन है जिसको नेकचंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया है। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।